नमस्कार, मैं हूं पुनीत सैनी। आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, एक समय सबका फेवरेट रहा यस बैंक अब डूबने के कगार पर है। ऐसा बैंक जिसे औसत से ज़्यादा ब्याज देने के लिए जाना जाता था, अब यस बैंक के शेयर का ग्राफ लगातार नीचे खिसक रहा है। यस बैंक के डाउनफॉल की कहानी। इस कहानी की शुरुआत राणा कपूर के परिवार के सामंती माहौल और आपसी कलह से होती है। पहले समझते हैं कि कब और कैसे शुरू हुआ यस बैंक। साल 2004 में राणा कपूर ने अपने रिश्तेदार अशोक कपूर के साथ मिलकर इस बैंक की शुरुआत की थी। 26/11 के मुंबई हमले में अशोक कपूर की मौत हो गई। उसके बाद अशोक कपूर की पत्नी मधु कपूर और राणा कपूर के बीच बैंक के मालिकाना हक को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। मधु अपनी बेटी के लिए बोर्ड में जगह चाहती थी। यूं स्थापना के करीब 4 साल बाद ही परिवार की कलह बैंक पर हावी रहने लगी और आज नौबत यहां तक आ गई है। थोड़े ही समय में बैंकिंग दुनिया में यस बैंक ने देश में अपना चौथा स्थान बना लिया था। इसकी देश भर में 1000 से ज़्यादा शाखाएं हैं। 1800 से ज़्यादा ATMs हैं यस बैंक के। महिला स्पेशल ब्रांच भी है जो यस ग्रेस ब्रांच के नाम से चलाए जाते हैं। इनमें महिलाओं के लिए खास प्रोडक्ट ऑफर होते हैं। इनकी खास बात यह है कि इनमें पूरी तरह से महिलाओं का स्टाफ है। इसके अलावा देश में 30 से ज़्यादा यस SMEs ब्रांच भी हैं जो SMEs को स्पेशलाइज्ड सर्विसेज मुहैया करवाती हैं। क्या कहता है वित्त मंत्रालय का सर्कुलर? वित्त मंत्रालय की तरफ से वीरवार 5 मार्च की शाम 6 बजे से 3 अप्रैल तक बैंक के जमाकर्ताओं पर पाबंदी लगा दी गई। विदड्रॉल की लिमिट सहित इस बैंक के कारोबार पर कई तरह की पाबंदियां लग चुकी थी। इस पूरी अवधि में खाताधारक 50,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल सकेंगे। यदि किसी खाताधारक के इस बैंक में एक से ज़्यादा खाते हैं तब भी वह कुल मिलाकर 50,000 रुपये ही निकाल सकेगा। यह नोटिफिकेशन रिजर्व बैंक के आवेदन पर जारी किया गया। अधिसूचना में यह भी कहा गया कि यदि किसी खाताधारक ने बैंक से कर्ज ले रखा है या उस पर बैंक की कोई देनदारी है तो उस राशि को घटाने के बाद ही डिपॉजिट में से पैसे दिए जाएंगे। RBI ने वीरवार को यस बैंक के निदेशक मंडल को भंग करते हुए प्रशासक नियुक्त कर दिया। केंद्रीय बैंक ने अगले आदेश तक बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा 50,000 रुपये तक तय कर दी। पारिवारिक कारण यस बैंक के डूबने का प्रमुख कारण है। साल 2008 में जब अशोक कपूर की मौत हुई तो कपूर परिवार में कलह शुरू हो गई। अशोक की पत्नी मधु अपनी बेटी शगुन को बैंक के बोर्ड में शामिल करना चाहती थी। मामला मुंबई की अदालत तक पहुंचा, जिसमें जीत राणा कपूर के पक्ष की हुई। थोड़े समय के लिए इस युद्ध पर विराम लगा और रणवीर गिल को बैंक का MD अपॉइंट किया गया। इस दौरान कॉर्पोरेट गवर्नेंस के समझौते के मामले सामने आए और बैंक कर्ज की चपेट में आ गया। धीरे धीरे वक्त बदला और प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेचनी शुरू कर दी। दूसरा बड़ा कारण, राणा कपूर बैंक में अपने शेयर्स को हीरा मोती बताते थे और कभी बेचना नहीं चाहते थे। लेकिन अक्टूबर 2019 में नौबत यहां तक आ पहुंची कि राणा कपूर और उनके ग्रुप की हिस्सेदारी घटकर 4.72 रह गई। 3 अक्टूबर को सीनियर ग्रुप प्रेसिडेंट रजत मोंगा ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने सितंबर में अपनी हिस्सेदारी बेच दी। यस बैंक के ग्राहकों की लिस्ट में रिटेल से ज़्यादा कॉरपोरेट ग्राहक हैं। कहा जा सकता है कि कॉरपोरेट ग्राहकों के कारण भी यस बैंक डूबा है। यस बैंक ने जिन कंपनियों को लोन दिया उनमें अधिकतर घाटे में हैं। कंपनियाँ दिवालिया होने की कगार पर हैं, लिहाजा लोन वापस मिलने की गुंजाइश कम है। जब कंपनियां डूबने लगी तो बैंक की हालत भी पतली होने लगी। तमाम पाबंदियों के बीच अब RBI यस बैंक के बही खातों एसेट क्वालिटी का मूल्यांकन करेगा और इसके बाद तय करेगा कि आगे क्या किया जा सकता है। उम्मीद है कि 30 दिनों के भीतर यह तय कर लिया जाएगा कि देश के चौथे सबसे बड़े निजी बैंक का मर्जर होगा या टेक ओवर। तो चलिए दोस्तों, आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।